कार्यक्रम के बारे में मैंने अपनी तकरीर के दौरान भी अभी आपको बताया है, इस साल अप्रैल के महीने में बड़ी सतह पे ये फैसला हुआ कि हम लोग अब जब सब चीजें हालात मामूल की तरफ बढ़ रहे हैं तो दहशतगर्दी की कार्रवाइयों को भी जीरो टेरर की तरफ बढ़ाने की जरूरत है। इसके तहत उन एरियाज की उन थानों की निशानदेही की गई जिन थानों के अंदर टेरर क्राइम के वाकात पिछले एक दो साल के अंदर ज्यादा थे। 43 थानों की निशानदेही हुई और उन थानों की निशानदेही के बाद स्पेशल कदम उठाने की, उन थानों को खासतौर पर मजबूत करने की एक प्लान बनी। उस प्लान के तहत एक नया काम शुरू किया गया, उसको ओ कैप्स कहते हैं, ऑपरेशन कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द पुलिस स्टेशन। ओ कैप्स के तहत हमने 2 अगस्त को 21 थानों को पहले लैस किया, इसी तरीके से नई गाड़ी, नई ड्रोन, नई वेपनरी और नई टीम्स के साथ इनको मुकम्मल तौर पे ट्रेनिंग दी गई और ट्रेनिंग के साथ ऑपरेशनल एक्टिविटीज जो स्पेशल टीम्स को करने की जरूरत होती है वो सब तरह की एक्टिविटी जो एक थाने के अंदर अमन अमान का माहौल बरकरार करने के लिए, बरकरार रखने के लिए जरूरी होती है, उनकी मुकम्मल ट्रेनिंग दी गई और टेरर क्राइम को डील करने के लिए जितनी भी कार्रवाइयां, चाहे उसमें फायर फाइट की कार्रवाई हो, वेपन एंड टैक्टिक्स का मसला हो, अम्बुश एंड काउंटर अम्बुश का मसला हो, नई वेपनरी को हैंडल करने का मसला हो, सब चीज़ों की ट्रेनिंग दी गई। पहला दस्ता लगभग 300 लोग अगस्त के महीने में लॉन्च हुए, 21 टीमें लॉन्च हुए। आज का दस्ता 307 लोग, 22 पीस एंड स्टेबिलिटी टीम्स आज लॉन्च हुई, 14 है और हर टीम पूरी तरीके से साथ लैस है। ये लोग थाने की ताकत को बढ़ाएंगे, ये लोग जहां पर थाने के बाकी काम भी होते हैं उसके साथ साथ डेडिकेटेड काम जो अमन और वहां पर लोगों को सुरक्षा की फीलिंग देने का काम है उसको मजबूती देने के लिए काम करेंगे। ये लोग 24 घंटे डेडिकेटेड रहेंगे कि इलाके के अंदर किसी भी तरह का टेरर क्राइम अगर होता है, पहली तो बात हो नहीं, अगर हो तो उसके साथ कैसे निपटा जाए। जो आपका टेन्योर रहा है, जिस वक्त आपने ज्वाइन किया था, किस लेवल पर आपने कश्मीर की मिलिटेंसी को देखा और आज क्योंकि अब आपका टेन्योर भी होने वाला है, कहां पर हमारी कश्मीर में जो सिचुएशन आ गई और प्रेजेंट पोजीशन जो है एज पर द मिलिटेंसी पॉइंट ऑफ व्यू वो क्या है? देखिए, बहुत सुकून की बात है, तसल्ली की बात है। जिस दौर से शुरू किया था तब दिन रात कतरोगारत काफ़ी हद तक देखने को मिल रही थी और आज लगभग अमन अमान का माहौल पूरी तरह ग्राउंड के ऊपर दिखने लगा है। जैसे मैं कहता हूँ कि दुश्मन की साजिशें, चालें, जालबाजियाँ, कोशिशें अभी भी जारी रहेंगी। टेरर का क्राइम, जैसे मैंने कहा, 43 थाने जो हमने सेलेक्ट किए, 36 थाने पूरा साल टेरर फ्री रहे, 7 थाने जिनमें टेरर क्राइम हुआ, सिर्फ 7 इंसिडेंट 2 महीने के अंदर हुआ, उसके अलावा 8 महीने पिछले पूरी तरह जो है वो अमन अमान का माहौल उन एरियाज के अंदर रहा। हमारे लिए लोगों की जान और माल की सुरक्षा करना सबसे हमारा ऊपर सबसे हमारी बड़ी जिम्मेवारी है। मुझे लगता है कि हम बहुत हद तक उसमें कामयाब हुए हैं। लैंड ऑर्डर की चुनौतियां जो जहां दिन और रात पत्थरों का खलवाड़ है वो ख़त्म हो गया, जहां पर जो बंद की काल और बंद के ऊपर फिर लोगों का सब का तरह की ज़िंदगी का ठप हो जाना, वो सिलसिला बंद हो गया। लैंड ऑर्डर की इंसिडेंट, पत्थरबाजी के इंसिडेंट कोई नहीं है। रिक्रूटमेंट का सिलसिला लगभग अब समझो ख़त्म होने पर आ गया है। ये सब चीजें अच्छे माहौल की देखें। लेकिन मसल एंड काउंटर इंडिकेशन देशा है कि अभी मिलिटेंसी खत्म नहीं हुई है अक्रॉस द बॉर्डर, टेरर अटैक्स अभी भी हो रहे हैं। ये लोग पार से कोशिश करते हैं कि मिलिटेंसी को जिंदा रखा जाए, मगर एक इंडिकेटर और भी है। इस साल के सबसे ज्यादा एनकाउंटर बॉर्डर पे हुए, सबसे ज्यादा मिलिटेंट बॉर्डर पे मारे गए। हिंटरलैंड में 12-13 की तादाद है जबकि बॉर्डर पे मरने वालों की 40 से ज्यादा तादाद है। तो सबसे ज्यादा एनकाउंटर अगर बॉर्डर पे हुए तो इसका मतलब हमारी बॉर्डर की ग्रेट पहले से ज्यादा स्तर के पहले से ज्यादा मजबूत है। एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इंडिकेटर भी है
कि हमारे बॉर्डर पहले से ज्यादा मजबूत हुए हैं, इनकी कोशिशों को नाकाम करें। हर बीते वक्त के साथ आप नए कदम आप उठा रहे हैं सक्षम बनाने के लिए। एक नया देखने को मिला, पुलवामा में एक एयर स्ट्रिप बनाया गया है जहाँ लैंडिंग होगी एयरफोर्स की, कितना फायदेमंद वो साबित होगा? देखिए, जहाँ पर मुल्क की और जहाँ के लोकल एरिया की ज़रूरतों के मुताबिक सुरक्षा की दृष्टि से जिन भी चीज़ों की ज़रूरत है उसमें हर तरह का इंतजाम हमें लोकल और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सतह पे जो सपोर्ट है उसके ज़रिए से हम लोग करने में सक्षम हुए हैं, काबिल रहे हैं। और मुझे लगता है कि हम लोग सुरक्षा की दृष्टि से और भी जो कदम उठाने की ज़रूरत है और